लेटेस्ट न्यूज़ सब तो पहला अपने फोन से देखने लिए साडा चैनल सब्सक्राइब करो अते नोटिफिकेशन दे लिए बेल आइकॉन जरूर दबाओ। मेरा नाम वेतर बबलू, मैं आम आदमी पार्टी तो। सर जी कंप्लेन आई आई नशे खिलाफ, जो नशे गए थे इतने बेहद विकते पे सी, जिदे करके राजेश कुमार ने आवाज़ चुकी है, अज तो 3 महीने पहले ही आवाज़ चुकी थी। उदो चौंकी से भी सू जिंदरा मारने मजबूर हो गए थे, आप चौंकी इंचार्जा ने एस एच ओ ने काम ही नहीं करना, फिर चौंकी को खोलने का कोई फायदा नहीं। अज भी आप फोन किया वै कि एस पी साहब उ नशा विकता जे, लेकिन जे आप कही कि इतने ए एस आई साहब को आने का टाइम से ना ए एस आई साहब आए है, जिस बंद ने नशा फड़ाया वै उस बंद उल्टा नशा माफिया सट्टा मार के जाए, उस तो बाद पुलिस प्रशासन वो मदद ना करे, उन्होंने कहे कि इतने आके बयान लिखा कि राज फिर कोई अभी नबी हो तो उस कौन जिम्मेवार हो। सर देखो जिन्होंने पैसे लेने हो तो पुलिस ने कार्रवाई करनी ही नहीं, जे ये लोगों ने मतलब कि ना नशे वाले सदाकर फड़ाने हैं तो ए एस आई एस एच ओ कहदे वास्ते फिर इन्हों सस्पेंड या डिसमिस किया जाए। मैं जेडे इतों का हल्का एम एल ए साहब है, मैं इन्हों को एम एल ए साहब यही धी है पुतों से सौ खा के आगे तुम वोटा मंगिया से तो अच्छ उही धी पुत्रोल दे पे जे हाथ जोड़ के बेनती करता मैं कैप्टन साहब नूं कि नशा दरिया छेवां तुम बनवा के रखा जे। राजस्थान तो लैके कन्याकुमारी तक कांग्रेस साफ हो गई है, आ की वारी ताड़ी पंजाब च भी जे कि जो धक्केशाही जो नशा गर्दी से जो गुंडागर्दी तुम करते पे कोई होर नहीं कर रहा इस टाइम। हूँ सर अगर गुटका साहब जे अज तुम वेखते धर्म की राजनीति करते पे आ, लोगों ने जज्बाती होकर वोटा पाती है, कैप्टन धर्म की सौ खाली है और कैप्टन साहब के धियां पुत्तां ही सौ खा के मुकर सकते हो, तो हुण नहीं यकीन नहीं रह गया इन्हां ते। देखो जी अगर ए एस आई साहब तो इतों बदलिया जाए क्योंकि उन्होंने पता जे मैं ये गल कह कि पछोरी हले शराब वेचते पे आ तेरे च कोई गल गल गलत नहीं गई है, सारे पूरे अमृतसर पता लॉकडाउन च भी शराब बंद हो गई लेकिन पछोरी शराब बेचते रहे, लोगों ने आवाज़ चुकी, लोगों ने आके बार बार मैंने कहा, लेकिन की गल सी पी साहब नूं पता कि इतने ए डी सी पी साहब नूं पता वह चाहते नहीं पे कि शराब माफिया इन्हां नारा लिया वै तो इन्हां पैसा चाहते तद काम नहीं करते पे। सर जो मिली भगत नहीं नशा विकता कितना, मैं ये नाके तो लैके मैं अगले नाके तो बगैर हेलमेट तो नहीं जा सकता तो नशा किन्ना मिली भगत लगता मैं मेरी मिली भगत ना। मेरा नाम सर राजेश कुमार होया, इदा सी कि भाजी दो तीन महीना दो महीने हो गए साढ़े महल शरेआम चिट्टा विक रहा, बहुत ज़्यादा विक रहा, जंड पीर कलोनी है ये, इतने शरेआम चिट्टा विक रहा। मैं किन्नी बारी पुलिस को अगे भी शराब दो महीने पहला शराब की कंप्लेट की थी, पर हजे तक प्रवीण कुमार अपने इंचार्ज साहब यह साहब आए ही उदो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, हूँ भी मैं शरेआम मैं क्या भाजी चिट्टा इतने वो बेच दे खोआ वो कर देंगे तो फिर तुम किसी आए कहते हैं हाँ भी खोआ फिर तुम की करते जो आप ही फड़ फड़ फड़ाने। मैं परसों शरेआम इतने कबीर पार्क के इंचार्ज है उन्होंने पूछो इतने कोलों समान निकलिया, कल अखबार उन्होंने भी पैसा आई अखबार भी फोटो आनी है मुंडा मिठू आ उसको 5 ग्राम समान हीरोइन बरामद हुई आ, उस तो बाद ना लिया इतने मुंडा कांटी आदि माँ समान बेचती आ, मेरे को आ फोन आदि को फोन में वीडियो बनाई थी माँ की तो प्यो की कि वह ना वह मुंडा लग खलोटा ही तो कांटी ना समान तोड़न डे कंडे उत्ते, उन्होंने इसे लागत पाई ने मेरा फोन तोड़िया कि भी तू हाडी वीडियो बनाई आ तो क्यों बनाई आ कि आडी वीडियो डिलीट कर, इस गल तो मेरे घर आ गए दातर मार इतने मैं खलोता मेरे दातर मारे उत्तों मेरे आखो मेरे इनिया सट्टा मारिया कि मैं कहना भी कोई भी नहीं, मैं कहना पुछो कखना कि मेरा की कसूर मैंने ये दसो एक मैं नशा ही रोकने दरखास्त मैं कल दी कल मैं फोन किया तो मैंने घंटे बाद जो पुलिस आई आ, मैं घंटा हो गया फोन करते 97811 3211 मैं फोन किए एक घंटा हो गया, घंटे बाद जो पुलिस आई अगर मैंने कतल होता
मेरा की कसूर आ नशा ये बेचन दे पुत कि मजना लुट खो कि हो जानी आ मैं तो पुलिस का साथ ही देने मैं पुलिस ना खलोन तैयार हाँ भी हाँ कोपरेट कर तैयार हाँ सर तुम आओ नशे वाले चुको मेरा मैं दसो कसूर की आ जे मेरा आ परिवार होता मेरे परिवार को कोई मार जे कौन जिम्मेवार है मैंने ये दसो जब मैं ओदी माँ ओदा प्यो ने मैं जफा पाया उतो मैं आखो टोके मारते आ कृपाना मारतियाँ क्यों मारियाँ ये किसी मैं नशे के खिलाफ बोलिया मेरा यह कसूर ही कांडी आते कांडी मम्मी तो मा प्यो तो कमासिया मुंडा ही वह चार जने पै गए भी मेरे को फोन के वीडियो हैगी भी उन्होंने समान तोलन डे ही कंडे उत्ते खुला समान मेरे सामने मुंडे को कोट खासा मुंडा इन्ना समान वो तोलन डे चिट्टा चिट्टा हीरोइन आडे घर भी अग बड़ी आ कल जे कोई नशे ना कोई बंदा मर गया कौन जिम्मेवार है आप भी नशा छड़ के सुधरे हाँ आप चाहते अपन चाहते भी साढ़े महल कोई गलत काम हो नशा हो पर मैं इस खिलाफ तुरदा भी जे मैं सुधरिया हो ही दुनिया सुधरे पर यह लोग पुलिस नहीं दसा दें भी मैं नशे के खिलाफ बोलता पर पुलिस कहती हाँ भी कोई गल नहीं तू बोलता बोली जा मर्जी आप अपनी करनी है सर मेरी यो बेनती है आम आदमी पार्टी भी तुम भी सर भी इतने पुलिस खिलारी जाए इतने पुलिस जिन्या मर्जी कुछ कर लो पर कुछ नहीं मैं कहना हो सकता सर धमकिया मैंने शरिया मेरे आ सट्टा मारियाँ मेरे धमकिया इस तो बाद थोड़ा अंदाजा मैंने जे ना होर मेरे नंगा जाए फिर कौन जिम्मेवारी अठ टंके लगे मेरा हाथ वेखो एड्डी वड्डी वड्डी कृपान फड़ी मेरे नंगा जाते दस पंद्रह मुंडे आ गए तो जे पुलिस ने टाइम तो नहीं होना तो फिर साढ़े पुलिस साढ़े रक्षा वास्ते आ गए तो साढ़े खिलाफ होने जो मैं राह उन्होंने ये मुंडे आ गए मैंने भजाता भी सट्टा मार के हाँ कि तू निकल जाएगा तो पुलिस तो पहला पहला आप निकल जाइए पर पुलिस जो मैं फोन कर दिया मेरे हाथ तुम रिकॉर्डिंग चेक लो भी मैं फोन करना क्यों नहीं आई मौके से घंटे बाद पुलिस आई इतने कि जब मैं कि गुनाह किया मैं नशे के खिलाफ बोलिया एक इतने नशरेआम चिट्टा देखता इतने जो मैं आप बंदे फड़ा शरेआम इतने जी मौजूदा सरकार हैगी कख नहीं कर सकती अपने चौकी चौकी आ जाओ अना कल डाक्टर भी कट के दिता इन्हों कहा जो खिलाफ कार्रवाई बनती जेडे जेडे बंद लिखोगे उन्होंने खिलाफ परचा दर्ज कर देंगे गल तो सिर्फ कहना जी पुलिस वालों कोई सुनाई नहीं की जा रही पुलिस की खुद की गवाही के ही नशा विकाया जा पुलिस पुलिस कि सुनाई करे तुम दसो पुलिस कि सुनाई करे सवेरे असी सवेर मैं सवेर का कोर्ट में हाँ जेडे काम डेट बाउंड काम होंगे है मैं कोर्ट के सवेर का कोर्ट के ठीक है कोर्ट चो मैं पाँच साढ़े पाँच बजे आया हूँ उत्तर कोई आप कोई बंदे फड़े सके इन्हों का बहु जी होना मैंने फोन किया जेडे थानू बाइट दे रहे हैं इन्हों मैं कहा उ आ जाओ ये कहना ने इन्हों के ये अल्फाज सके कि तुम अपना काम करो मैं इधरों अपना काम करना ठीक है ना हूँ ये की चाहते हैं इस बारे मैनू नहीं पता मेरे को जो मर्जी आ जा मैं इन्हों का बयान लिख के परचा दर्ज कर दिया सर कहते हैं मुंडे को सट्टा लगाई गई वा तो सिर के टांके मैं बेनती की है भी कल की गल आ कल इन्हों उस वेले बिना देरी दे इन्हों डाक्टर दे दिता गया भी तुम हस्पताल के उत्तों जो भी रिजल्ट आऊगा वह वो बाद चो आप वादा कर देंगे फिलहाल तुम अपना आन के लिखाओ तो परचा दर्ज कराओ परचा तो इन्हों के बयान से होना जो पुलिस के बयान से होना तो मैं कर देना जाके शराब वेचन वाले नहीं कोई फड़ाए जेडे कोई अपना साड़ी जी कबीर पार्क चौंकी है उतों के बंद कोई इनफॉरमेशन सीगी उतों के बंद कोई इनफॉरमेशन सीगी वो बंदे कोई चेक करते भी इन्होंने फड़ाए है चलो इन्होंने पुलिस का साथ दिता वधिया दिता जी हूँ इन्हों की है वह तो मेरे इलाके हुई है वो मेरे को आ बयान करा दें मैं फट के परचा दे दिना अगो वादा कर देंगे जो भी यदा रिजल्ट आऊगा हूँ ये मेरे को नहीं आते ये मीडिया को मतलब अपना जो भी बयान देंगे ने दे सकते हैं मैं क्या जी 101% कार्रवाई की जाएगी इन्हों बुलाया गया मैं उतो मुलाजम भी उ बुलाए भी इन्हों का बयान ले दो मैं उत्ते हैगा चौंक अपने कचहरी के हैगा मेरा आन के जो भी पढ़िया होगा मैं दस दौ जो भी लिखा होगा मैं पढ़ के जो तुम सही लगता होगा तो मैं वो परचा जो दर्ज करा दूँ भाजी इतने हो बच्चे की लड़ाई हो गई है इन्होंने मारिया कुटिया मेरे मुंडे काफी नशे खिलाफ बोलिया मेरा बेटा अगे भी बोलिया आवाज दबाई गई है
अगे भी इन्होंने कुछ नहीं किया तो जो हूँ कर लगा तो हूँ भी यही कुछ हूँ दिया तो जे मैंने कहें कि बच्चे के बयान लिखाने तुम खंड वाले चौंकी आओ मैं खंड वाले गई हाँ तो मुड़के उन्होंने मैंने कहा छाटे चौंकी चल जाओ छाटे चौंकी गई हाँ तो फिर कहें खंड वाले चल जाओ दसो तो की करिए असं असी मंग करते सानू नहीं साहब मिले सीधी सारा महला देखो हरजिंदर सिंह हाँ जी इतनी अपनी दुकान है जी सारे दिन इतने खलोते रहते अमली नशा दिता इतने सारे दिन नानू तो पता नहीं सारे इतने नवे नवे आए कराए थे रेंदे ना नहीं किसी पता उतरे कि सारी दड़ी इतने कुछ ना हरजिंदर कुमार पलाह है जी मैं आम आदमी पार्टी का सबका को प्रेजिडेंट अमृतसर सिटी जी सो अज असी इतने जंट पीर वाले इलाके आए हैं सो इतने मुंडा साडा वीर राजेश हैगा उन्हें नशे के खिलाफ जिहड़ी आवाज चुकी है और आवाज चुकन का नतीजा की उन्हें मिलया है कि जिहड़ा परिवार वो नशा वेचता है उन्हें उन्हें दब के कुटिया है और वह मोबाइल भी जिहड़ा है वह तोड़ दिता है जिहदे विच उन्हें उस परिवार की जिहड़ी वीडियो बनाई दी सी और इहदे वास्ते उन्हें पुलिस प्रशासन के कोल इस चीज़ की मंग की कि यह परिवार मेरे नाल धक्का करन दिया है क्योंकि शरेआम इत्थे नशा वेचन दे ने चिट्टा वेचते हैं शराब वेचते हैं इन्हों पुलिस प्रशासन कोई नहीं रोकता लेकिन पुलिस प्रशासन जिहड़ा इत्थों दा चौंकी इंचार्ज है भुपिंदर सिंह वह भी इत्थे आ गए उन्हें इहदी गल नहीं सुनी जदों कि उन्होंने सीनियर अफसर ने उन्होंने कहा कि तुम मौके पर जाके वेखो उहदे सिर ते दातर नाल हमला किया गया है उहदा मोबाइल तोड़िया गया है उहदे परिवार नूं उहदी माता नूं राट लै के कुटिया गया है और ये पुलिस जिहड़ी है बिल्कुल जिहड़ी कुम करन दी नींद जिहड़ी है वह सुती हुई है जदों कि ये जिन्ना भी काम है ये सारा पुलिस प्रशासन का है ये नशा खत्म करना क्योंकि पंजाब सरकार के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस चीज़ की गुटका साहब हाथ फड़ के साबो की तलवंडी वाल मूँह करके सहुं खाधी सी कि मैं चार हफ्तों के नशा जिहड़ा खत्म कर देंगा पर वह सहुं जिहड़ी इन्हां दी बेकार है बिल्कुल धर्म के नाँ के उत्ते सहुआं खा के कोई चौं हफ्तों के नशा खत्म नहीं होया छेवां दरिया अज भी जिहड़ा नशे का है वह उस तरह ही वग रहा है जिहदे विच साडे जवान धियां पुत जड़े ने दिनों दिन तुम वेखो पहलो पिछलिया टाइम लो नाल किन्नियां मौतां जड़े नौजवान ने इस नशे की जड़ी है भेट जड़े वह चढ़ गए हैं लेकिन ये पुलिस जड़ी इन्हां नूं रोक नहीं सकती लॉकडाउन के दौरान जितना पहलों गल की हैलमेट की लॉकडाउन के दौरान मूँह से मास्क पाने वाले के चलान कट्टन दे ने लोगों को तंग परेशान किया सारा जिन्ना पंजाब एक थां ते खड़ा करता हिंदुस्तान इन्हां कोई चिड़ी नहीं फड़कन दिती लॉकडाउन के दौरान लेकिन इन्हां दीआं शराब के जड़े ठेके ने जड़ा नशा है वह मासा जिन्ना बंद नहीं होया लेकिन हुण जे इतों के लोग इतों के वसनीक ये पुलिस प्रशासन दसते हैं कि यह घर यह परिवार जड़ा है नशा वेच रहा है इनू रोकया जाए इनू गिरफ्तार किया जाए इन दे परचा किया जाए लेकिन यह पुलिस प्रशासन जड़ा है उन्हों को आप महीने चुकते हैं उन्होंने रोकते नहीं गए ये जड़े लोग ने यह गरीब परिवार जड़े ने इतों के काउंसलर चाहते हैं सुखबीर सोनी जिन्हों चुनिया वो अपने तो तीन परचे होए देने शराब के जोड़े ड्रम वो को फड़े गए और इतों की सरकार जी इतों के एम एल ए जड़े ने जोड़े चक्कर नहीं मारते देखते हैं कि साढ़े कौंसी चौंसी के हो रहा है लख लांत योजे एम एल ए योजे काउंसलर के उत्ते योजे पुलिस प्रशासन के उत्ते देखो जी बिल्कुल जी जे तो इन्हों इंसाफ ना मिले ज इन्हों इंसाफ ना होया उन्होंने परचा ना होया तो असी इस चौंकी का जोड़ा घिराओ करा यदी जी मंग है असी कल सी पी साहब न मिल के यदा जोड़ा मंग पत्र है ना समेत असी उत्थे जाके दे के आवेंगे और सारी आम आदमी पार्टी जी है साड़ी इस परिवार के नाल खड़ी है जिस परिवार को जिस मुंडे सट्टा लगियां ने।